हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ और आप लोगों को सुबह सुबह में ले आई हूँ बाहर। सुबह हम लोगों का ब्रेकफास्ट हुआ और अभी 8:45 हुआ है। हम लोग निकल गए हैं होटल से कहीं और, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन हम लोग का आज सुबह से क्लास है 10 बजे से, तो लेके आया हुआ है। कहीं अलग जगह होगा जहाँ पे क्लासरूम वगैरह है, तो देखते हैं। और अच्छा है कि मौका भी मिला कि बाहर थोड़ा सा देखने का। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ऐसे तो शायद हम लोगों को कम ही समय मिलेगा, इतना बिजी शेड्यूल है, क्लास टाइम है 4-3 बजे तक, इसके बाद फिर नाटक देखना है क्योंकि फेस्टिवल है। हम इंडिया से आए हैं, इस बाहर से भी बहुत टीम आए हुए हैं। ये हम लोग आके पहुँच गए हैं जगह। ये मैम है जो हमारा क्लासेस का जो शेड्यूल है वो सब कुछ देख रहे हैं। रशिया का लोग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। क्यूट है बहुत। ये है, हाँ यही है जहाँ पे हम लोग का क्लास होगा, वो मैम मुझे बताया अभी। देखिए ठंडी में धूप लेने का मज़ा। मैं तो मैम लोगों का साथ ही नहीं छोड़ा, पीछे पीछे ही आ रही हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। बाहर कितना सुंदर है, अंदर तो और भी कुछ अलग ही होगा। बहुत साफ है, बहुत साफ है, एक भी धूल नहीं है। ये है क्लासरूम। ये नीचे देख रहे हैं, ये ना हीटर है, ये रूम हीटर है, पूरा रूम को गर्म करके रखते हैं। ठंडे मतलब बाहर होने से भी अंदर पता ही नहीं लगता है कि ठंडा है कि नहीं। हम लोग जब क्लास किए ना तभी तो पूरा जैकेट उतार दिए। हमें 15 मिनट का ब्रेक मिला और मैंने बगल का थोड़ा सा देखा क्या क्या है क्या नहीं है। ये विंडो का व्यू है क्लासरूम से बाहर ही। हम लोग को 20 मिनट का वो मिला था, ब्रेक मिला था, तभी हमारे लोग वो बाहर बात कर रहे। मैम भी है जिन्होंने हम लोग को एक्टिंग का क्लासेस लिए। फिर हम लोगों का हो गया क्लास ख़त्म, 4 बज गए। अभी हम वापस आ रहे हैं होटल। ऐसा लग रहा है कि अभी बस जल्दी से लंच दे दो, इतना भूख लगा है। लेकिन अभी होटल ले जाएंगे, होटल जाने के बाद हम लोगों को फिर रेस्टोरेंट लेके आएंगे, इसके बाद खाना। कोई बात नहीं, नए शहर नई एक्सपीरियंस बनता रहेगा। ये रिवर है एक, बहुत सुंदर है ऐसा। बपरे मतलब फ़ोन में और वीडियो बना के ये एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है, फिर भी एक मेमोरी के लिए मेरा कभी भी देख सकती हूँ। इसीलिए मैं YouTube वीडियो बनाती हूँ एक्चुअली, खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। मैं जो भी देखती हूँ आप लोगों को साथ शेयर भी कर लेती हूँ। ये ट्रैफिक जाम लग गए हैं। मैंने ड्राइवर को पूछ के बोला कि आपके बगल में बैठो क्या, और उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है बैठो, और मैं पूरा पहले आगे सीट में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। यहाँ इंडिया से 2.5 घंटे वो चलते हैं, मतलब लेट चलते हैं। ये गाड़ी देखिए भाई साहब, मेरा बक बक कितना सुनेंगे। मैं थोड़ा सा म्यूजिक व्यूजिक डाल के आप लोगों को वीडियो दिखा दे।
इसके बाद हम आके होटल में फ्रेश वगैरह होके फिर लंच भी कर लिए। यहाँ लंच 4 बजे ही करते हैं, 4-5 बजे, पता नहीं क्या टाइमिंग है। तो हम लोगों ने अच्छे से लंच कर लिया, करने के बाद अभी हम फेस्टिवल की नाटक देखने जा रहे हैं, और नाटक अलग अलग ऑडिटोरियम में हो रहे हैं। हम लोग आज अलग एक ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, रास्ता अभी यहीं से है, आ रही हूँ मैं अभी, आके पहुँच गई हूँ यहाँ पे। बैग वगैरह जैकेट सब कुछ मतलब रख के अंदर जाना पड़ता है। तो ये है, अंदर जाने से पहले रिसेप्शन जैसा एक एरिया है, अंदर देख रहे हैं आप लोग, बार वगैरह भी है, रेस्टोरेंट जैसा भी है। यहाँ पे ठंडी बहुत है इसीलिए लोग बहुत बियर वगैरह पीते हैं। नाटक का मैं फ़ोटो ही दे पा रही हूँ, वीडियो वगैरह लेना बहुत मुश्किल था, और एकदम इंटीमेट स्पेस जैसा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन वही मुश्किल था वीडियो वगैरह बनाने में। पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ भी नहीं पाती हूँ। ये ओ लड़की तो पूछो ही मत, इतना सुंदर है। जैसे ही प्ले ख़त्म हुआ मैं बाहर निकली और सीधा मैंने डिनर भी कर लिया। इसके बाद मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ, नए एक वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।